Assalamu alaikum everyone welcome to vocab gram you learn English with easy lessons in this lesson I'm going to teach you 10 English words that you guys can use at your workplace uh, These words are going to make you sound smart and impress your boss or obviously your colleagues as well if you are working right now In any company or you aspire to work uh, this lesson is going to be very helpful for you guys So do watch this lesson till end uh, by the way, the PDF link for the PDF of this lesson is in description. You can download the PDF from that link. Okay. So let's begin. Our first word is pragmatic. Achha, jo words hai, these all words are adjectives. So pragmatic is adjective hai, and it means uh, dealing with things or being practical and realistic in your approach or to, to a situation. Okay. Uh pragmatic sank. जो किसी चीज़ से किसी सिचुएशन से डील कर रहा है या वो किसी सिचुएशन में बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हो रहा है कुछ लोग होते हैं ना वो बड़ी इमोशनल अप्रोच रखते हैं मतलब जज्बात में बह जाते हैं नहीं अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त किसी सिचुएशन को डील करते वक्त इवन किसी इंसान को डील करते वक्त कोई इंसान जो है वो बड़ा रियलिस्टिक होकर डील कर रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ को वो अपने सामने रख रहा है और अपने इमोशंस को साइड पे रख रहा है ठीक है तो वो इंसान फ्रेगमेटिक है ठीक है वो जज्बात में बहने वाला इंसान ही है वो कैरिड अवे नहीं हो जाता है किसी सिचुएशन में आ, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को और जो भी असल हकीकतें हैं उनको सामने रख रहा है तो दैट पर्सन इज़ बीइंग फ्रेगमेटिक या उसकी वो अप्रोच जो है वो फ्रेगमेटिक है या वो किसी प्रॉब्लम का जो सोलूशन है वो बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट कर रहा है तो उसका सोलूशन प्रोगेटिक है फ्रेगमेटिक है ठीक है जी तो प्रेगमेटिक ऐसे इंसान को कहेंगे जो प्रैक्टिकल होगा आ, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर जो है वो फैसले करता है आ, उस उसकी अप्रोच किसी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो है वो रियलिस्टिक है प्रैक्टिकल है ग्राउंड uh, रियलिटीज उसके सामने है ठीक है जी अच्छा जी जैसे कि सेंटेंस इसका हो सकता है कि लेट्स टेक अ प्रगमैटिक अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम आपका बॉस कह सकता है इवन आप अपने कोलीग्स uh, को कह सकते हैं ठीक है ठीके? कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको खुद कह सकते हैं कि लेट्स टेक अ प्रगमेटिक अप्रोच कि आइए कोई प्रेगमेटिक अप्रोच लेते हैं इसको बड़े रियलिस्टिक अंदाज से इस प्रॉब्लम को देखते हैं और सॉल्व करते हैं अपने सामने हम डाटा रखते हैं इस वक्त मार्केट सिचुएशन क्या है वो सामने रखते हैं और उसके बाद जो है ना हम कोई सोल्यूशन पे आते हैं ठीक है तो वो प्रगमेटिक सलूशन होगा अच्छा जी आ, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जिथिनेशियस एटिनेशियस जो है ना ये कहा जाता है टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड ऑफ समथिंग अच्छा इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा टिनेशियस के, के दो मीनिंग होते हैं किसी चीज़ को आपने बड़े मजबूती से पकड़ा हुआ है तो वो जो आपकी ग्रिप है ना वो थिनेशियस ग्रिप ग्रिप कहलाएगी ठीक है आपका जो होल्ड है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है ठीक है तो यू आर हैविंग अ वेरी वेरीशियस ग्रिप ऑन दैट कोई सी सब्जेक्ट को हो सकता है कोई चीज हो सकती है फिजिकल चीज हो सकती है इसी तरह से आप किसी काम को करने के लिए कोई इंसान जो है ना वो कोई इरादा करता है पर्सन इज वेरी डिटर्मेंट इंसान अपने उस काम से पीछे नहीं आता है हटता है नो मैटर वट तो वो इंसान भी थे कहलाएगा कि वो बड़ा ही प्रसिस्टेंट है मतलब वो पीछे नहीं हटता है वो गिवअप नहीं करता है बड़ा डिटर्मेंट है और कितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो इंसान जो है ना, वो अपने उस गोल से या अपने उस काम से पीछे नहीं हटेगा जो भी उसने सोच लिया है कि मुझे ये करना है पर्सन इज़ ठेनेशियस ठीक है उसकी ये अप्रोच ठेनेशियस हो सकती है ठीक है जी तो एक तो है कि किसी चीज़ के ऊपर बड़ा मजबूत किस्म का होल्ड है ग्रिप बड़ी स्ट्रांग है तो टेनेशियस ग्रिप है टेनेशियस होल्ड है और कोई इंसान बड़ा ठेनेशियस है अगर वो बड़ा ही परसिस्टेंट है अपने काम को लेकर बड़ा ही डिटर्मेंट है और वो गिव अप नहीं करता है ठीक है तो वो इंसान बड़ा टनिशियस है जैसे कि सेंटर्स से है शी शॉर्ट अटनेशियस एटीट्यूड टूवर्ड्स हर वर्क नेवर गिविंग अप अंटिल द टास्क वॉज कंप्लीटेड कि जब उसको कोई टास्क मिला उसने उसका जो एटीट्यूड था ना उस टास्क को कंप्लीट करने का वो बहुत ही ठेनेशियस था उसमें जितने भी उसको बीच में हर्डल्स आ रहे थे जितने भी उसको ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे आ, she remained persistent and determined और वो उसने करके छोड़ा ठीक है तो वो उसकी जो अप्रोच थी या उसका जो एटीट्यूड था अपने काम की तरफ वो बहुत ही ठेनेशियस एटीट्यूड था ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास अब है जी डिलीजेंट अब डिलीजेंट भी जो है ना वो उत, उत वैसा ही है जैसा हमने अभी tenacious पढ़ा है हार्ड वर्किंग फोकस डिटर्मेंट परसिस्टेंट ठीक है किस कोई डिलीजेंट इंसान भी वही इंसान होगा जो अपने काम को लेकर बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बड़ा फोकसड और बड़ा डिटर्मेंट है बड़ा परसिस्टेंट है कि मैंने ये करके ही छोड़ना है ये काम ठीक है फ़र्क क्या है डिलीजेंट और जो है ना tenacious में कि जो डिलीजेंट इंसान होता है ना उसमें जब आप डेलीजेंट वर्ड किसी दूसरे इंसान के लिए यूज़ कर रहे हैं ना तो उसमें आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि वो हार्ड वर्किंग और फोकस तो है लेकिन वो उसमें आप ज़्यादातर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना फोकस्ड है वो जो फोकस जो है ना उसका वो वो हर छोटी डिटेल के ऊपर जो है ना उसने फोकस किया हुआ है कि मेरा काम जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से होना चाहिए कोई भी उसकी जो चीज़ है कोई भी उसका एस्पेक्ट जो है आ, वो जो है वो मिस नहीं होना चाहिए ठीक है जबकि जो टेनेशियस है ना उस जो वो अगर किसी इंसान के लिए आप यूज कर रहे हैं दोनों का मतलब एक ही होता है कि ऐसे लोग डिलीजेंट लोग और टेनेशियस लोग ये बड़े डिटर्मेंट होते हैं अपने काम को लेकर बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं बड़े फोकस्ड होते हैं लेकिन डिलीजेंट में आप थोड़ा सा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं कि वो इंसान छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भी बहुत फोकस करता है अपने काम को परफेक्ट अंदाज में करने की कोशिश करता है जबकि इंसान जब आप किसी के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें आप ज्यादातर ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो गिव अप नहीं करता है जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए जितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए रास्ते में वो उसने अपना गोल नहीं छोड़ना है उसने गिव अप नहीं करना है ठीक है तो बस ये हल्का सा डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में अदरवाइज ये दोनों वर्ड्स किसी भी इंसान के लिए यूज कर जा सकते हैं जो अपने काम को लेकर बड़ा डिटर्मेंट और बड़ा ही परसिस्टेंट है और बड़ा ही हार्ड वर्किंग है फोकस्ड है ठीक है जी और ये सेंटेंस होगा इसका हिज इस हिस्सिजेंट वर्क एथिक हैज हिम द रिस्पेक्ट ऑफ हिज कोलीग्स एंड सुपीरियर्स मतलब कि उसका जो एक वर्क एथिक जो है उसके वो, वो बड़े डिलीजेंट है मतलब कि वो अपने काम को लेके बड़ा डिलीजेंट है बड़ा ही हार्ड वर्किंग है फोकस्ड है डिटरमिंड है परसिस्टेंट है ठीक है तो उसकी वजह से उसने एक इज्जत जो है ना वो रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की है अपने कोलीग्स की और अपने सुपीरियर्स की ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो जी क्रेडिबल क्रेडिबल भी आप वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं ये वर्ड काफी अच्छा वर्ड है इसका और बहुत कॉमनली यूज भी होता है एबल टू बी Uh, कोई को भी आप जैसे बड़े क्रेडिबल फैक्ट्स हैं जी आप अपने के सामने बोल सकते हैं सर मेरे पास बड़े क्रेडिबल फैक्ट्स हैं जो इस थी को सपोर्ट करते हैं ठीक है या जो भी हम करना चाह रहे हैं जो भी आप प्लान कर रहे हैं आ, हमारी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करते हैं बड़े क्रेडिबल फैक्ट्स हैं मेरे पास है, या अ, मेरे क्रेडिबल सोर्सेज ने मुझे ये खबर दी है या मेरे क्रेडिबल सोर्सेज ये बता रहे होता है ना जब आप वर्क प्लेस पर किसी चीज़ को डिसकस करें कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपने जो भी आपके रोक स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे हो तो आप कैसे मेरे क्रेडिबल सोर्सेज से मुझे ये पता लगा है ठीक है यहाँ ये बड़ी ही क्रेडिबल फैक्ट्स हैं या क्रेडिबल डेटा है हमारे पास ठीक है क्या मतलब के जो जो काबिल यकीन है जो बड़े अच्छे हैं मतलब जिनके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं और जो कन्विंसिंग है और जिनके आप कह सकते हैं कि ये झूठ नहीं हो सकते ठीक है जिनकी सच्चाई पे आपको यकीनों का ये जो फैक्ट्स ये हमारे पास आए हैं ये जो यहाँ जो ये जो डेटा आया है इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं है ये बड़े करेक्ट किस्म का डेटा और फैक्ट्स हमारे पास आए तो ऐसे फैक्ट्स को ऐसे डेटा को आप क्रेडिबल डेट फैक्ट्स या क्रेडिबल जो है ना वो डेटा बोल सकते हैं ठीक है बड़ा कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है ये वर्क प्लेस पे अच्छा जी सेंटेंस है वे नीड टू प्रोवाइड क्रेडिबल एविडेंस टू सपोर्ट आवर क्लेम एंड कन्विंस द क्लाइंट्स टू इन्वेस्ट इन आवर प्रोडक्ट ठीक है अब आप अपने क्लाइंट्स को जैसे कुछ जो होते हैं कंपनीज जो कि सर्विसेज जो है वो सेल कर रही होती हैं तो वहाँ पर आपने अपने क्लाइंट्स को ऑब्वियसली बड़े क्रेडिबल किस्म के जो हैं वो एविडेंसेस uh, जो है वो प्रूव कर uh, मतलब प्रोवाइड करने होते हैं या उनको फैक्ट्स प्रोवाइड करने होते हैं ताकि वो कन्विंस हों कि वो आपकी जो भी सर्विसेज उनमें इन्वेस्ट करें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या आपके प्रोडक्ट्स को बाय करें या आपकी सर्विसेज को बाय करें, करें ठीक है जी नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है हमारे पास एग्जैम्पलरी एक्जैम्पलरी मीन्स सर्विंग एज ए डिजायरेबल मॉडल रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड एग्जाम्पलरीरी मतलब मसाली uh, किसी इंसान को कहना है कि uh, आपके कोई भी मतलब ये हमारे बड़े ही एग्जैम्पलरी कलीग हैं या हमारे एग्जाम्पलरी जो है वो uh, रहे हैं बॉस रहे हैं या जो भी हैं जिनके बारे में कहना है कि बड़े मिसाली हैं जिनसे इंस्पिरेशन ली जा सकती है ठीक है जिनको लोग फॉलो कर सकते हैं ठीक है ठीके? या बड़ी ही एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस थी उनकी उनकी किसी की परफॉर्मेंस को एग्जाम्पलरी क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंस जो दूसरों के सामने एक मिसाल के तौर पर रखी जा सकती है ठीक है तो ऐसा जो है ना परफॉर्मेंस को किसी के काम को किसी इंसान को आप जो है ना एग्जाम्पलरी वर्ड जो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जब आपने कहना हो कहे ये ये मतलब कि एक मिसाल के

और पीपल एस्ट्यूट इंसान वो इंसान होता है जिसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ऑब्जर्वेशन चूँकिंग होती है तो उसमें एक अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से वो बड़े अच्छे जजमेंट्स जो है ना वो बना सकता है एक एस्ट्यूट बिजनेसमैन होता है जिसकी के मतलब मार्केट किस तरफ जा रही है ऊपर जा रही है नीचे जा रही है मार्केट ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं नई जो है ना वो क्या चीज़ें मार्केट में आ रही हैं कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो उसका ट्रेंड किस तरफ है ठीक है मार्केट पल्स किस तरफ है आ, ऐसे इन, ऐसा बिजनेस में जिसको इन सारी चीज़ों की उसकी ऑब्जर्वेशन इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ी स्ट्रॉग है और इन इनकी बेस पर वो डिसीजन बड़े ज़बरदस्त किस्म के बड़े एक्ट डिसीजनस लेता है ठीक है कोई आ, एस्ट्यूट बिजनेस हो सकता है आपका कोई एस्ट्यूट किसी भी मतलब के अहदे पर बाहर सीईओ हो सकता है आपका मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है जिसको बड़ी समझ हो अपनी उस फील्ड की और उसकी देखिए में जे, 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 जे में चीज रख लें कि ये वो इंसान होता है जिसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ठीक है और उसकी वजह से जो है ना वो एक्यूरेटली असेस कर लेता है सिचुएशन को वो कोई बिजनेस हो सकता है पॉलिटिक्स हो सकता है वो आपका फाइनेंस मैनेजर हो सकता है वो आपका मार्केटिंग मैनेजर हो सकता है कुछ कोई भी इंसान हो सकता है किसी भी पोजिशन पर बैठा हुआ इंसान हो सकता है ठीक है उसके लिए आप ये एसटीटूट

थी। उसकी वजह से जो ना वो मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं उसने वो प्रेडिक्ट कर लिए और उसने बुरे ही राइट इन्वेस्टमेंट्स किए जिसकी वजह से प्रॉफिट हुआ ठीक है जी नेक्स्ट हमारे पास है वो जी इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक भी आपने वर्ड काफी सुना होगा इसका मतलब ये होता है बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियल कोई चीज बहुत जरूरी है उसके लिए भी इंट्रिंसिक का वर्ड यूज किया जाता है या किसी चीज़ की वैल्यू के लिए बताया जाता है कि उसकी नेचुरल वैल्यू क्या है वो उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होती है इसकी आपको मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल दूँ आपने अगर आप ऐसी वीडियोस देखने में या ऐसा कंटेंट जो है वो कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड है जिसमें जो आपको फाइनेंशियल जो है वो इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है आप देखिएगा कि वो लोग अक्सर ये बात बोल रहे होते हैं कि जो जो पेपर मनी है जी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है मतलब कि वो एक कागज़ से बना हुआ मनी है अब उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है अपनी नेचुरल कोई वैल्यू नहीं है वो वैल्यू हम उसको देते हैं ठीक है उसके ऊपर पांच लिख दिया तो पांच रुपए का नोट हो गया उसके ऊपर सौ लिख दिया तो सौ रुपए का नोट हो गया जो इसके जो ना आ, मतलब के दूसरी तरफ अगर देखें आप तो जैसे गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया उनके बारे में कहा जाता है कि इनकी इंट्रेंसिक वैल्यू है मीन्स की उसमें एक नेचुरल उसकी अपनी एक वैल्यू है ठीक है वो हम देते नहीं है वो उसकी अपनी है ठीक है ये जो मतलब इस तरह से मैं, मैंने ये एग्जाम्पल सिर्फ आपको ये वर्ड को समझाने के लिए दी है कि जब आपने कहना हो कि इसकी अपनी जो एक वैल्यू है ना एक नेचुरल वैल्यू जो किसी चीज की होती है उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है या अगर आपने इस सेंस में भी यूज किया जाता है कि ये सबसे अहम है या बहुत असेंशियल है बहुत जरूरी है इस मीनिंग में भी यह वर्ड यूज होता है ठीक है अच्छा जैसे सेंटेंस है इसका क्रिएटिविटी इज एन इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ द डिजाइन प्रोसेस ठीक है अब कोई कोई ऐसी कंपनी जैसे कोई फैशन कंपनी है कुछ जिसमें या कोई भी डिजाइन से रिलेटेड कोई कंपनी है जहां पर डिजाइन बनाए जाते हैं तो वहां पर क्रिएटिविटी जो होगी वो इंटरसिंग पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर क्रिएटिविटी उस उधर नहीं होगी तो उसमें आप वो मतलब वो कंपनी काम कैसे कर सकती है वहां पर नए डिज़ाइंस कैसे आ सकते हैं ठीक है थीके? तो जो क्रिएटिविटी uh, है वो डिज़ाइन प्रोसेस का इंटरसिंग पार्ट होता है ठीक है एंड वी नीड टू इंकरेज इट अंडीम कि हमें इंक्रेज करने की ज़रूरत है अपनी टीम में नेक्स्ट हमारे पास है वो हो जाइए फर्सनेबल पर्सनेबल एक ऐसा इंसान होता है जो फ्रेंडली होता है अप्रोचेबल होता है लाइकेबल होता है वर्क प्लेस के ऊपर आपको ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है uh, ज़्यादातर वो लोग वो मतलब कि डिपार्टमेंट्स जहाँ पर आपने कस्टमर डीलिंग करनी होती है ठीक है जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर आपको फर्सनेबल लोग जो है ना वो चाहिए होते हैं जहाँ के सेल्समैन होते

पर्सनेबल एंड हैज़ बिल्ड स्ट्रांग रिलेशनशिप आवर क्लाइंट्स इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम ठीक है कि हमारा जो नया सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव है वो बड़ा ही पर्सनेबल है मतलब तो बहुत फ्रेंडली है बड़ा अप्रोचेबल है और उसने बड़े ही थो, थोड़े टाइम में जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ बड़ा ही एक स्ट्रॉग किस्म का जो रिलेशनशिप है वो उसने डेवलप कर लिया है नेक्स्ट हमारे पास है वो है जो मिठिकुलस अच्छा जी मिठिकुलस हम ऐसे इंसान को कहेंगे जो कि अपने काम को लेके बड़ा केयरफुल है और बड़ा प्रिसाइज है ठीक है और वो बड़ी ही ना मतलब कि बड़ी क्लोज अटेंशन जो है ना वो मतलब छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर ना बड़ी क्लोज अटेंशन उसकी होती है बड़ी स्ट्रॉग अटेंशन होती है बड़ी तवज्जो देता है वो बड़ा केयरफुल होता है मेटिकुलस वो इंसानों को उसने जो भी काम करना है ना वो उस काम की छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर भीजे ना वो उस पर तवज्जो देता है मतलब ये वो लोग होते हैं जो अपने काम में ना परफेक्शन चाहते होते हैं उन्हें छोटे छोटे भी मिस्टेक्स जो होते हैं जिनको हम अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं नॉर्मली मेटिकुलर्स I mean, लोग उन छोटी छोटी चीज़ों को भी ओवरलुक नहीं करते हैं वो उस पर पूरे तवज्जो देते हैं और उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है ठीक है और वो काम में चाहते हैं कि परफेक्शन होनी चाहिए ज़रा सी भी उसमें हल्की फुल्की जैसे अगर आप अभी हमने डिज़ाइंस की बात की जैसे कोई डिज़ाइन कंपनी है तो वो डिज़ाइंस में छोटी छोटी चीज़ों को कलर को देखेंगे कपड़े की क्वालिटी को देखेंगे उसकी जो स्टिचिंग है उसको देखेंगे कहीं पर भी स्टिचिंग जो है वो बाहर ना निकल रही हो रफ ना हो कहीं छोटी छोटी सी भी मिस्टेक ना हो तो ऐसे लोग जो भी इन, इतनी छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं ना कि उनको परफेक्शन चाहिए होती है वो बहुत प्रिसाइज होते हैं अपने काम को लेके तो दे आर मेटिकुलस ठीक है उनके लिए आप मेटिकुलस वर्ड यूज कर सकते हैं Uh, जैसे सेंटेंस है आवर अकाउंटेंट इज़ वेरी मेटिकुलस एंड ऑलवेज डबल चेक हिज कैलकुलेशन टू इंश्योर देर आर नो एरर्स ठीक है अब जाहिर बात है जो अकाउंटेंट्स होते हैं जो अकाउंट्स को देखते हैं जो लोग उनको भी मेटिकुलस होने की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको हर चीज़ को पे पूरी तवज्जो हर नंबर के ऊपर उनको तवज्जो देने की जरूरत होती है बिकॉज अगर नंबर्स में जरा से भी डिस्क्रिपेंसी अगर छोटी सी भी कोई पॉइंट जीरो जीरो परसेंट भी कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो अक्सर जो है ये बहुत बड़े बड़े जो है वो मसाइल जो है वो क्रिएट करते देते हैं, तो they need to be meticulous. Okay, जी जी अच्छा अच्छा है जी है fastidious. Fastidious है आ, है जो जो हमारे पास वो भी वो ना ये ये से भी भी वही लोग होते हैं जो चोटी -चोटी details हैं छोटी छोटी के ऊपर बहुत खास देते उन्हें हर चीज जो है ना बड़ी परफेक्ट चाहिए होती है आ, कहीं पर भी छोटी सी भी मिस्टेक जो है ना वो उसको जो है मतलब कि वो गवारा नहीं करते हैं फर्क क्या है और फस्टिडियस में फ़र्क क्या है इसमें ये फ़र्क ये है कि फस्टिडियस में एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है ऐड हो जाती है कि अक्सर ये वर्ड जो है ना उन लोगों के लिए भी यूज होता है जो कि सफाई को बड़ा पसंद करते हैं मतलब उन्हें हर चीज़ नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज चाहिए होती है जो लोग अपनी लाइफ में बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं ना अक्सर आप देखें आप उनके मतलब काम करने की जगह पर दे जाए तो आपको हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज अपनी जगह पर और बहुत साफ सुथरी आपको नजर आएगी उनको

मेट हिज हीसटैंड ठीक है कि अपने ऑफिस को लेके बड़ा ही फस्टिडियस है उसको बड़ा ऑफिस अपना नीट एंड क्लीन और वेल well ऑर्गेनाइज और जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं वो उस तरह से चाहिए और वो बार बार उसको मतलब के चेक करता रहता है इंस्पेक्ट करता रहता है कि भाई मेरे जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई है ठीक है जी ओके okay, जी फ्रेंड्स यहाँ पर लेसन खत्म होता है होप के इंटरेस्टिंग था लेसन आपने इंटरेस्टिंग वर्ड्स सीखे इनको याद कीजिए आप अगर काम करते हैं किसी कंपनी में तो ऑबियसली वहाँ पर आपको हेल्प करने वाले हैं आपका एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो आ, शो करने वाले हैं और अगर आप अभी मतलब पढ़ रहे हैं तो ओबियसली आपने आप, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना है तो वहाँ पे आपके आपको, आपको यूवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आ, ओके जी फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़